नमस्कार मित्रों, आपका स्नेह और प्यार हमेशा हमको मिलता रहा है। चार साल TV20 न्यूज को चलते हो गया और आप लोगों का प्यार हमेशा मिलता रहा है। इसी तरह हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए TV20 न्यूज। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज बर्मा टावर नरौली, तनिष्क शोरूम के नीचे आजमगढ़। प्रोप्राइटर हैं अशोक बर्मा और मोबाइल नंबर है 9415207728। आजमगढ़ जनपद में पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने मुहर्रम त्योहार से संबंधित लोगों को एक वीडियो संदेश दिया है। उन्होंने वीडियो में साफ तौर पर कहा है कि जो परंपरागत तरीके से मुहर्रम का त्यौहार मनाते हुए लोग चले आ रहे हैं, उसी नियम के अनुसार बनाए, कोई नया नियम इसमें लागू न करें। सुरक्षा के दौरान पुलिस अधीक्षक ने कहा कि सुरक्षा की दृष्टि से हमने जो संवेदनशील क्षेत्र हैं उसमें पुलिस बल तैनात कर दिए गए हैं। किसी भी प्रकार की कोई अगर उपद्रव फैलाने की कोशिश करता है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस अधीक्षक ने भी कहा है कि तत्काल अगर इस तरह से कोई संवेदनशील या फिर कोई संदिग्ध व्यक्ति इस मामले में कोई दखल पैदा करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और आप तुरंत पुलिस को सूचना दें। और ऐसी तमाम बातें कहीं, तमाम ऐसे संदेश दिए हैं, आपको सीधे सुनवाते हैं कि पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने क्या कुछ कहा है। मुहर्रम के आयोजन जो शुरू हुए हैं उसके लिए सभी थाना क्षेत्रों में जितने संवेदनशील क्षेत्र हैं वहां पे पुलिस के द्वारा लगातार भ्रमण किया जा रहा है। जनपद में कुल 107 अश्रेणी के संवेदनशील क्षेत्र हैं जहां पे मिश्रित आबादी है या जहां पे पुलिस को लगता है कि पुलिस की प्रेजेंस बहुत जरूरी है, उन सभी पे पिकेटिंग व्यवस्था की गई है। कुल 1095 ताजिया अब तक जो परंपरागत ताजिया निकलते रहे वो 1095 की संख्या है। इन सभी ताजियादारों का सत्यापन, इनसे वार्तालाप और इनको ये बताना कि जो परंपरागत रूट है और परंपरागत आयोजन है उसी के अनुसार आयोजन किए जाएंगे, गैर परंपरा से रिलेटेड कोई भी आयोजन किसी भी प्रकार से अलाउ नहीं किया जाएगा। इसके साथ साथ 357 कुल ऐसे जुलूस हैं और मजलिस हैं जो इस दौरान जिनका आयोजन होता है उनके रूट का भ्रमण कर लिया गया है। अन्य विभागों के साथ भी जो कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता है वो कर लिया गया है। टोटल 15 QRT जनपद में गठित की गई है किसी भी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति से निपटने के लिए, और उसके साथ साथ एक कंपनी PSC जनपद को बाहर से प्राप्त हुई है और एक कंपनी PSC ऑलरेडी जनपद में मौजूद है। तो इस प्रकार से हमारे पास 2 कंपनी PSC है, 15 QRT है और टोटल जनपद में लगभग 3500 की नफरी है पुलिस फोर्स की जो जनपद में मौजूद है। और हम अलग अलग टाइम पे अलग अलग क्षेत्रों में पेट्रोलिंग, पैदल गश्त, वाहनों की पेट्रोलिंग और फ्लैग मार्च निकाले जा रहे हैं। हम लोग अच्छे तरीके से, बहुत सकुशल तरीके से इन सभी आयोजनों को पूर्ण कराएंगे।